एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो 2021 में मैंने कुछ नए एक्सपेरिमेंट करे थे एंड नाउ आई एम लाइकिंग देम सो मच, जिनको मैं 2022 में भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना रियल स्किन केयर रूटीन जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ फ्रॉम लास्ट आई थिंक पूरा साल ही मैंने यूज़ किया है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अपग्रेड करे हैं अपने डेफिनेटली उस रूटीन में, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सारे प्रोडक्ट्स की जो परचेस लिंक होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रहेगी, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट इट माइट पॉसिबल कि कुछ प्रोडक्ट्स आपने शायद पहले से यूज कर रखे होंगे एंड आपको सूट नहीं करे होंगे, बट ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज्यादा सूट करते हैं। कमिंग टू माय स्किन टाइप, इट वाज ऑयली अर्लियर। आई हैव अ सेंसिटिव स्किन, स्टिल आई हैव अ सेंसिटिव स्किन, बट इट वाज ऑयली अर्लियर। बट आई डोंट नो फ्रॉम लास्ट वन ईयर व्हाट हैपेंड टू माय स्किन। स्किन इज गोइंग टुवर्ड्स ड्राइनेस नाउ, मतलब थोड़ा ड्राइनेस रहने लगा है मेरे स्किन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिंजर एंड फेस वॉश की। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्लेंजर्स और फेस वॉश में बहुत इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। उसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि मेरे पास जो ब्रांड की तरफ से जैसे डर्मा को, मामाअर्थ, प्लम, मॉम्स को, इन सब ब्रांड्स के साथ जब मैं कोलैबोरेट करती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेस वॉश आ जाते हैं एंड इन्हीं लोगों को ही, इन्हीं फेस वॉश को मैं यूज़ करती रहती हूँ। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने ये द फॉरेस्ट एसेंशियल का डेलिकेट फेशियल क्लेंजर ट्राई किया था। दिस इज़ अ सैफरन, कश्मीरी सैफरन एंड नीम फेस वॉश। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कब शेयर किया था, आई थिंक 2 मंथ्स पहले यूज़ किया शेयर किया था एंड तब से कंटिन्यूसली आई एम यूजिंग दिस। एंड लुक एट दिस, ये कितना ख़त्म हुआ है, ये सिर्फ इतना ही ख़त्म हुआ है। इवन टीनू हैज़ गॉट द जो उसका ट्रायल वर्जन होता है, जो उसका ट्रायल पैक होता है, वो उसने भी परचेस किया है। सो मतलब वी आर लविंग इट, आई एम लविंग एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। इफ यू हैव अ ड्राई स्किन पर्सन, यू आर अ ऑयली स्किन पर्सन, यू आर अ सेंसिटिव स्किन पर्सन, ये इतना जेंटल और इतना माइल्ड है, आपके फेस को इतने अच्छे से क्लीन करता है एंड स्टिल आपके फेस को ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, विच आई रियली लाइक अबाउट दिस फेस वॉश। सेकेंड प्रोडक्ट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ, इसको अभी मैं जब से ये आया है ना, पहले तो मैं इसको डेली यूज़ कर रही थी, ऑलमोस्ट डेली मैं इसी को यूज़ कर रही थी, बट जब से मैंने फिर ये मंगवा लिया है, दिस इज़ माय सेकंड ट्यूब, एंड जब से मैंने ये मंगवा लिया है इसको मैं क्या करती हूँ अल्टरनेट डेज में या फिर 3 दिन में एक बार, या अगर मैंने सुबह इसको यूज़ किया है तो शाम को इसको यूज़ करती हूँ, या शाम को इसको यूज़ किया है तो रात में इसको यूज़ करती हूँ। 2 बार ही मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। अगर आपको इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है, आप देखो ये मैंने कब खरीदा था, 2 महीने पहले खरीदा था, 39.5 रुपीज़ का है ये। आपको इसको देख के लग रहा है 2 मंथ में ये इतना चला है, तो ये जो इतनी पूरी बॉटल है ये कितने मंथ्स, मुझे नहीं लगता ये 6-7 मंथ से पहले खत्म होने वाला है। सो अगर आप बनाते हो बजट की 7 मंथ्स में आपको एक फेस वॉश लेना है, गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन, दिस इज अमेजिंग। ठीक है, तो ये है। अगर आपको बजट फ्रेंडली कोई ऑप्शन चाहिए तो आई वुड रेकमेंड यू जो प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश आता है। इफ यू हैव अ ऑयली स्किन या सेंसिटिव स्किन, आप उसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले मैं उसी को ही यूज़ करी। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रोडक्ट इज दिस टोनर, डॉक्टर बेलमेर का टोनर, क्लैरिफाइंग टोनर। आई रियली लव दिस टोनर, इसको मैं लास्ट 3 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी सारे टोनर्स ट्राई किए हैं, जो 2 टोनर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं, एक तो मुझे ये डॉक्टर बेलमेर का बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड दूसरा मुझे जो पसंद आया वो प्लम का अगेन ग्रीन टी वाला टोनर है, जो थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज में, बट ये भी 7 मंथ 6 मंथ आराम से चलता है। उसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट आता है वो यूजुअली आता है सेरम्स का। तो मैं पहले सेरम बहुत यूज करती थी, बहुत तो नहीं, बट मेरा एक पर्टिकुलर फेवरेट द बॉडी शॉप का ग्रीन टी वाला जो एक सेरम आता था, मैं वो यूज करती थी जब तक मेरे को बहुत ब्लेमिशेस होते थे, मतलब एक्ने रहता ही रहता था, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 मेरे छोटे छोटे बम्प्स रहते थे मेरे स्किन पे, तो मैं उसको यूज करती थी। बट अभी मुझे एज सच कोई बहुत यूज नहीं लगता है सेरम को यूज करने का, तो आई स्किप्ड माय सेरम। मतलब मैंने पिछले 1.5 साल से जब से वो खत्म हुआ है मैंने सेरम लगाना बंद कर दिया है, कोई भी नए सेरम में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है। बट इफ स्टिल यू आर अ सेरम पर्सन और आप चाहते हो कि मैं कोई रेकमेंडेशन दूँ, तो आई वुड रेकमेंड यू जो प्लम का भी विटामिन सी सेरम लॉन्च हुआ है, मेरी मम्मी उसको यूज़ कर रही है, इट लिटरली गिव्स यू अ नाइस शाइन टू योर स्किन, इतना ग्लो हो जाता है उससे फेस। नाउ कमिंग टू द डे क्रीम्स, डे क्रीम के लिए मैं आपको 2-3 ऑप्शन देती हूँ अफोर्डेबल वाला भी। दिस इज द मॉइस्चराइजर जिसको मैं अपने एज ए डे क्रीम की तरह लगाती हूँ। शुरू में जब मैं इसको यूज करती थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये वर्क नहीं कर रहा है, बट आफ्टर आई थिंक 2-2.5 मंथ्स हो गए मुझे ये ठीक लग रहा है, मतलब दिख रहा है मुझे इसका इफेक्ट दिख रहा है। ऑब्वियसली जो ब्लेमिशेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुके हैं मेरे स्किन पे, आप व्लॉग्स में देखते होंगे, बिकॉज मोस्टली व्लॉग्स में नो मेकअप में ही आती हूँ मैं, सो
मतलब ठीक है, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट आई वुड से कि इस रेंज में विटामिन सी वाले जैसे प्लम ने लॉन्च किया है और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स ने लॉन्च किया है, इसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स कम रेंज में आपको मिल जाएंगे आराम से। तो अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, आई वुड नॉट रेकमेंड यू कि बहुत ही एक्सट्रीमली तोप और ऐसे फारू टाइप का, नहीं है, इट्स जस्ट फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन है, दिस इज अ सेटाफिल डेली हाइड्रेटिंग लोशन। जितने भी मेरे वेडिंग मेकअप मैंने करे हैं, ऑब्वियसली इसको इतने बड़े को मैं कहाँ लेकर के जाती हूँ, तो मैं यही लेकर के गई हूँ। एंड सारे मॉइस्चराइजर, मतलब सारे जो भी फाउंडेशन मैं यूज करती थी उसके नीचे का जो बेस होता था ना, वो मैं यही लगाती थी। इट्स अमेजिंग, मतलब इट गिव्स यू अ नाइस ग्लो। बट हाँ, अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको ऑयल आता है, तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू, बिकॉज ये थोड़ा सा बहुत अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग टाइप का है। विंटर्स में आप इसको यूज कर सकते हो ऑयली स्किन वाले, बट ऑयल समर्स में आप इसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये छोटा सा लिया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट ओनली एंड आई लिटरली लव्ड इट, मतलब इट्स वेरी गुड। इफ यू आर अ ड्राई स्किन पर्सन, गो फॉर दिस वन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो होता है SPF, अब सनस्क्रीन जिसको हम बोलते हैं। तो सनस्क्रीन जब से मेरे पास ये आया है, दिस इज अ फॉरेस्ट एसेंशियल सन फ्लूइड जिसको मैं यूज करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है, अमेजिंगली वर्क करता है। मैं इसी को यूज करती हूँ, इवन सन में जा रही हूँ तो भी, सन में नहीं जा रही हूँ तो भी। हाँ, कुछ बार स्किप हो जाता है, बहुत सारी बार, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, आई एम नॉट वेरी रेगुलर विद इट, समटाइम्स स्किप हो जाता है। बट जब सन में जा रही होती हूँ तब तो मैं इसको लगाती ही लगाती हूँ। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, इसको भी मुझे यूज करते हुए 3-4 महीने हो चुके हैं एंड काफी ज्यादा पसंद है मुझे। मेरी अगेन ये बॉटल, ये भी सेकंड बॉटल है, खत्म होने वाली है, तो नेक्स्ट मंथ में फिर से इसको मंगवाने वाली हूँ। सो आई रियली लाइक इट, और इसी को मैं अपनी स्किन पे यूज कर रही हूँ। हर्बल है, नेचुरल है। नाउ सनस्क्रीन के बाद आते हैं हम नाइट क्रीम कर। तो नाइट क्रीम में, एज ए नाइट क्रीम जो मैं यूज करती हूँ वो है ये द ड्रॉप्स ऑफ यूथ का, बॉडी शॉप का द ड्रॉप्स ऑफ यूथ बाउंसी स्लीपी मास्क। आई रियली रियली लव दिस मास्क एंड अगेन इसको मुझे यूज करते हुए 3 साल हो गए हैं। जब से मैं, कितनी बार बता चुकी हूँ कि जब से आई स्टार्टेड दिस इन माय स्किन केयर रूटीन, माय स्किन केयर गेम चेंज्ड ऑब्वियसली। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये बहुत लाइट वेट है एंड जब आप इसको लगा के रात में सोते हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी स्किन लुक्स वेरी हेल्दी, वेरी हाइड्रेटिंग, आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो होता है। सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। एंड इसके अलावा कोई मुझे जो प्रोडक्ट पसंद है, अच्छा ऑप्शन है, वो है ये प्लम का नाइट जेल। सेम वर्क करता है जिस तरीके का ये द बॉडी शॉप का प्रोडक्ट वर्क करता है, वैसे ही सेम ये प्लम का प्रोडक्ट भी यूज वर्क करता है। आप इसको रात में लगा के सो जाइए, आपकी स्किन सुबह बहुत ग्लोई, हाइड्रेटिंग, फ्रेश ऐसी फील होती है। सो दिस इज एन नॉन एक्सपेंसिव वर्जन, ये थोड़ा कम रेट में आता है एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो आई समटाइम्स यूज दिस वन। ट्रैवलिंग कर रही होती तो ये यूज करती हूँ, बिकॉज ये ग्लास की बॉटल है, इसको तपड़ा लेके नहीं जाती हूँ मैं कहीं पे भी, तो ये वाला मैं ट्रैवलिंग पर्पज पे या कहीं जा रही हूँ, मम्मी के घर जाती हूँ, तो मैं इसको रख के लेकर के जाती हूँ। सो आई यूज दिस एंड दिस, ऑन एंड ऑफ यूज करती हूँ, मतलब ऐसा। इज द लिप बाम, ऑब्वियसली लिप बाम बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, हमेशा ही लगाते हैं को होता है, क्योंकि आपके लिप्स, जैसे ही वेदर चेंज होता है सबसे पहले लिप्स पे असर पता चलता है। सो करंटली आई एम यूजिंग ये मामा अर्थ के जो लिप टिंट्स हैं, ये वाले लिप बाम मैं यूज कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही टॉप लिप बाम है, क्योंकि ब्रांड की तरफ से आ गए एंड दे आर वर्किंग ग्रेट, तो मैं वो यूज कर रही हूँ। इससे पहले मैं बॉडी शॉप के जो नहीं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला जो लिप बाम आता है, मैं वो यूज करती थी। तो उसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो ये चीज़ इसकी है, जैसे अगर आप रात में इसको लगा करके सोते हो ना, लाइक विदाउट कलर वाला मैं यूज़ करती हूँ रात में, दिस येलो वन, तो जब मैं इसको लगा करके सोती हूँ, सुबह उठती हूँ, तो मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील होते हैं, या 2-3 घंटे बाद मुझे इसे ड्राइनेस नहीं लगती है। इस मामाअर्थ के लिप बाम की बात कर रही हूँ मैं। सो दे आर गुड, दे आर वर्किंग रियली गुड, और प्राइस वाइज भी काफ़ी सही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, लिप बाम के बाद आते हैं बॉडी लोशन पर। तो फॉर बॉडी लोशन आई एम यूजिंग दिस मॉम्सको का सेंसिटिव नेचुरल सेंसिटिव स्किन लोशन। आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, दिस इज अमेजिंग, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। नाउ कमिंग टू द फेस मास्क, आई एम श्योर होता है ना, सिर्फ वंस इन अ वीक आपको फेस मास्क लगाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ रिकमेंडेशंस है। तो एक तो ये है प्रोफेशनल O3 का, दिस इज D10 फेस मास्क। दिस फेस मास्क इज अमेजिंग, मतलब आपको कहीं पे जाना है, सपोज आपको शादी में जाना है या कहीं पे भी जाना है, आपको लगता है आपकी स्किन डल लग रही है, वीक में आप इसको 2 बार लगाइए, मतलब आप एक बार लगाओ, 15 मिनट्स को लगा के रखो एंड फेस वॉश करो, आपको तुरंत इंस्टेंट ग्लो आपके फेस पे दिखता है। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, आई थिंक बहुत बार मैं अपनी वीडियो से बता चुकी हूँ, हर बार जैसे ही मेरा इसका जो टब है वो खत्म होता है, मेरा अगेन नया टब आ जाता है, इतना मुझे पसंद है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आया है वो है ये कामा आयुर्वेदा का सुवर्णा हल्दी चंदन ब्राइटनिंग फेस पैक। तो बहुत ऐसा नहीं है जिसमें ब्राइटनिंग लिखा हुआ है, पर ऐसा कुछ करता नहीं है, ये नेचुरल और वीगन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसको लगाने के बाद आप इसकी जो जो चंदन की इसमें आती है ना फ्रेग्रेंस आती है, उससे
अंदर ही इतना वो हो जाता है, ऐसे थेरेपी टाइप की हो जाती है, अरोमा थेरेपी हो जाती है मेरी तो इसको लगाने के बाद। बहुत फेस में ठंडा ठंडा एंड बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं इसको लगाने के बाद। सो आई लाइक दिस वन। अगर आपको कुछ एक्चुअली में रिजल्ट वाला चाहिए तो ओ3 वाला सजेस्ट करूंगी मैं, एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए बिकॉज ये केमिकल फ्री है, नेचुरल है, वीगन है, तो आप ये लगा सकते हो। सो दीज आर माई रिकमेंडेशन एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई एम यूजिंग करंटली एंड आई विल कंटिन्यू इन 2022। अगर कोई अपडेट करती हूँ तो डेफिनेटली आई यू नो अपडेट यू इन एनी ऑफ माई वीडियो। और यही थे प्रोडक्ट्स। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी जिसमें मैं हेयर केयर रूटीन में क्या अपना हेयर, मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि आप इतना वो यूज़ करते हो, हीटिंग टूल्स यूज़ करते हो, फिर भी योर हेयर लुक क्वाइट हेल्दी एंड ऑल। सो आई मेंटेन अ काइंड ऑफ रूटीन जिसको मैं शेयर करूंगी कमिंग वीडियो में। मुझे जरूर बताइएगा इनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके अभी करंट रूटीन में है या आप यूज कर चुके हैं, आपको पसंद है। सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।